फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था एसएससी जीडी के लिए, फिर उसी तरीके से सेम कट ऑफ यहां पर लगा हुआ है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस राज्य का कट ऑफ किस प्रकार से लगा है, क्योंकि तीन तरीके कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही साथ आपको हमें बताना होगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिला है या नहीं मिला है, कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। तो देश के सबसे बड़े सूबे बात उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा स्टेट है हमारे भारत का जनसंख्या के लिहाज से, उसकी बात करें और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इसी राज्य में थी। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मेल और फीमेल की प्रत्येक स्टेट वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर टोटल 54,953 थी। बाद में 4,000 वैकेंसी जो आपकी इंक्रीज भी करी गई थी, बढ़ाई भी गई थी। तो टोटल अभ्यर्थी जो थे यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया था, लगभग 30 लाख से अधिक स्टूडेंट थे। 3.41 लाख आपके स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था। और सफल जो अभ्यर्थी हुए हैं जिनको चुना गया है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10 गुना कैंडिडेट आपके चुने जाएंगे। तो सफल स्टूडेंटों की यदि संख्या की बात की जाए तो देखिएगा 5,34,052 स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट किया गया है, सफल किया गया है। ये जो स्टूडेंट है फिजिकल के लिए अपनी तैयारी करेंगे, जिसमें दो तरीके कैंडिडेट हैं, एक है मेल और दूसरा होता है फीमेल, क्योंकि दोनों के लिए ही अलग अलग वैकेंसी डिटेल थी। यदि फीमेल की बात की जाए तो 68,420 फीमेल को जो है सिलेक्शन हुआ है, मेल की बात की जाए तो 4,65,632 मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बॉर्डर क्षेत्र के, जिसे बी ग्रुप से रिप्रेजेंट किया गया है, 7,841 कैंडिडेट सफल हुए हैं। नक्सल क्षेत्र के, जिसे एन से दर्शाया गया है, 13,647 कैंडिडेट सफल हुए हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं शेष जो बचे हुए हैं वो आपके जनरल अर्थात सामान्य क्षेत्र से सिलेक्टेड हुए हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी में क्या आपका यहाँ पर प्रोसेस है, किस तरीके से कट ऑफ आपकी लगी हुई है, तो जनरल की बात करते हैं और सामान्य क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि नक्सल क्षेत्र की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 62 पर गई है और बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास गई है अधिकतम। तो जो कैंडिडेट इससे नीचे अंक लाए हुए हैं इन एरियो से संबंधित हैं, बाकी कैटेगरी जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह हैं इनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा लो गई है। जनरल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर देखेगा आपकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से आई है, काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है इस बार भी, 78.3, जैसा कि एक अनुमान था कि 75+ आपकी जाएगी वही गई है। फ्रेंड्स, जनरल के लिए 78.3 गई है, 75+ जैसा कि हमने आपको बताया था कि जाएगी। और यदि फीमेल कैंडिडेट में जनरल की बात की जाए तो 69 पर आपकी जो कट ऑफ जो है गई है उत्तर प्रदेश में फीमेल के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 76.3 रही है, फीमेल ओबीसी में जो आपकी कट ऑफ है वो 68 गई है, जो जनरल के लगभग लगभग बराबर सी ही है। एससी कैंडिडेट की यदि बात की जाए तो 69.8, जिसे आप 70 भी बोल सकते हैं लगभग, और एससी में फीमेल के लिए जो है 61 गई है। एसटी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो 72, और फीमेल एसटी में बात की जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो 58 गई है। फीमेल में एक्स सर्विसमैन नहीं होता है, मेल में एक्स सर्विसमैन की यदि बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन की मेरिट सभी स्टेट में 35 से 36 के आसपास है। तो ये यूपी की बात थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राज्य की। हमारा जो अगला स्टेट होगा वो है बिहार। तो बिहार में यदि बात की जाए कि आपकी कट ऑफ कितनी रही है, चलिए देखते हैं बिहार की कट ऑफ। बिहार में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट के लिए आपकी क्या कट ऑफ है। बिहार से काफ़ी हाई कट ऑफ गया था लास्ट ईयर भी, इस बार भी काफ़ी अच्छा कट ऑफ है। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 76, फीमेल के लिए यदि जनरल की बात की जाए तो 62, ओबीसी की बात की जाए तो 73, फीमेल ओबीसी की बात की जाए तो 61,
यहाँ पर देखिएगा 59, फीमेल में यदि एससी की बात की जाए तो काफ़ी कम गई है 46, और एसटी की बात की जाए तो 75 मेल में गई है, और फीमेल की यदि बात की जाए तो 61। एक्स सर्विसमैन के बारे में यदि हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 35 के लगभग गई है, तो ये बिहार राज्य का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट कट ऑफ, अगला जो हमारा राज्य होगा वो है आपका राजस्थान। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो कितनी गई है। राजस्थान स्टेट के बारे में कहा जाता है कि हाई कट ऑफ स्टेट माना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा जनरल की जो कट ऑफ है वो फिर से बहुत ज़्यादा हाई गई है, 80 को पकड़ चुकी है। 80 प्लस यदि किसी के अंक हैं तो उसका ही सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की भी काफ़ी अच्छी गई है, जनरल की 72 पर गई है। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल के लिए बराबर है, और ओबीसी में फीमेल की यदि बात की जाए तो 72 बिल्कुल सेम है जनरल ओबीसी राजस्थान में, 73 और एसटी 64 फीमेल। एसटी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 78 गई है जनरल में मेल की, और फीमेल की यदि बात की जाए तो 70, और एक्स सर्विसमैन की यदि बात की जाए तो 36 गई है राजस्थान स्टेट में। अगले राज्य की बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी जो एक बड़ा स्टेट है वहाँ की क्या कट ऑफ है, किस प्रकार से लगी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 73, फीमेल के लिए 70, 73 ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए महिलाओं के लिए 69 गई है मध्य प्रदेश की, 66 एससी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट, और बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की तो 64, बात की जाए एसटी की तो 58 गई है, और एसटी में फीमेल की बात की जाए तो 59 आपकी कट ऑफ गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर देखेगा 36, 36 पर रही है। मध्य प्रदेश के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपकी क्या कट ऑफ रही है। महाराष्ट्र के लिए प्रत्येक स्टेट का हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के में मेल कैंडिडेट के लिए क्या रही है, तो 59 थोड़ा सा बड़ा है कट ऑफ पिछली बार के मुकाबले, और ये जो कट ऑफ है ये अभी फिजिकल के लिए है, फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करें फीमेल के लिए तो 50 अंकों पर लगी है महाराष्ट्र की कट ऑफ, 57 पर लगी है ओबीसी की मेल कैंडिडेट की, 49 पर लगी है फीमेल कैंडिडेट ओबीसी में, 56 पर एससी कैंडिडेट, और बात करें एससी की तो यहाँ पर 50 पर गई है महाराष्ट्र में, एससी की कट ऑफ हाई गई है ओबीसी के मुकाबले, 52 मेल कैंडिडेट एसटी, 48 फीमेल। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 36 पर आपकी लगी हुई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का ये हाल है कट ऑफ का। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आपकी क्या कट ऑफ रही है। तो दिल्ली के बारे में बात की जाए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, यहाँ पर जो आपकी CISF वगैरह की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। दिल्ली स्टेट में जनरल के लिए 70, ओबीसी जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए 65, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट एससी के लिए जो है आपकी 68, और 41 गई है एसटी के लिए, और 39 गई है आपकी यहाँ पर देखिएगा 40 गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए डाटा है, फीमेल के लिए दिल्ली में बात करें तो 67 जनरल, 66 ओबीसी, 59 आपका एससी, और 75 आपका एसटी। एसटी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। तो एसटी कैंडिडेट के लिए डाटा थोड़ा गलत हो चुका था, 50 पर गई है एसटी कैंडिडेट के लिए। तो नेक्स्ट राज्य की
वह है गुजरात। उसके बाद हम आपको अन्य राज्य की कट ऑफ भी बताएंगे। तो गुजरात की यदि बात की जाए मेल कैंडिडेट में, गुजरात की कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। गुजरात एक लो कट ऑफ एरिया माना जाता है। यहाँ पर 51 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 46, एक्सर्समैन के लिए 37। फीमेल की बात की जाए जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 39 और एसटी के लिए जो है आपकी 40 गई हुई है। नेक्स्ट राज्य बात करें हरियाणा की। हरियाणा पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा हाई गया था कट ऑफ, इस बार क्या स्थिति है ये देखते हैं हरियाणा की। हरियाणा राज्य में यदि जनरल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो देखिएगा जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी पूरी की पूरी सबसे हाई जो कट ऑफ है वो हरियाणा की ही है, उसके बाद आपके राजस्थान की भी है। तो हरियाणा में 80, ओबीसी 77, एससी 71, एसटी हरियाणा में है नहीं है। तो एक्सर्विसमैन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 37 गई है। एसटी कैटेगरी हरियाणा में नहीं है इसलिए इसका कट ऑफ नहीं लगेगा। बात करें हरियाणा में फीमेल कैंडिडेट के लिए 73, 71 ओबीसी कैंडिडेट के लिए और बात की जाए एससी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर देखेगा 51 रही हुई है कट ऑफ। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई कट ऑफ नहीं है। तो दोस्तों ये देश के प्रमुख राज्य थे जिनकी कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा हाई गई है। अन्य जो स्टेट हैं उनके लिए जो आपको एक पीडीएफ हमने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके देख सकते हैं और somacademy.org पर जाकर भी देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कितने मार्क्स हैं, आपको क्या फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का हुआ है और आप किस एरिए से बिलोंग्स करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।